देश में कथक का पर्याय बन चुके पंडित बिरजू महाराज का सफर लखनऊ से शुरू होता है। कथक से उनके परिवार का एक जैसे कहते हैं सदियों पुराना रिश्ता है। पंडित बिरजू महाराज पंडित ईश्वरी प्रसाद के वंशज हैं, जिन्हें कथक का पहला गुरु भी कहा जाता है। अच्छा, बचपन में पंडित जी का नाम दुखहरण था, बाद में भगवान कृष्ण के नाम से जोड़कर उनका नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्रा रखा गया, जो धीरे धीरे बिरजू हो गया और आगे चलकर पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। पिता का नाम था अच्छन महाराज। अच्छन महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज कथक की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। अपने पिताजी को याद करके पंडित बिरजू महाराज कहते हैं, आप सोचिए हमारे पिता का स्वभाव ऐसा था कि उनका नाम ही अच्छन महाराज पड़ गया। बिरजू महाराज जब केवल 3.5-4 साल के थे, तभी से तालीम खाने से घुंघरू और तबले की आवाज़ उनके कानों में पड़ती। वहाँ से आकर वो अपनी अम्मा से कहते, अम्मा मैं भी ठीक बिल्कुल वैसा ही नृत्य कर सकता हूँ। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए बिरजू महाराज बाकायदा वैसा ही नृत्य करने की कोशिश भी करते। जी हाँ, उम्र बहुत छोटी थी उस वक्त, तो कई बार ऐसा होता नृत्य करते 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 पंडित जी गिर भी जाते। जल्दी पिता को समझ में आ गया था कि बिरजू अब कथक ही करेंगे, तो उन्होंने बेटे को सिखाना भी शुरू कर दिया। उस समय अच्छन महाराज रामपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। रामपुर के नवाब बिरजू महाराज को बहुत मानते थे। नवाब साहब अक्सर उनके पिता से कहते कि आप बेटे को भी साथ में लाया करिए। अब बिरजू महाराज के पिताजी बिरजू महाराज को भी नवाब साहब के यहाँ ले जाने लगे। मसला ये था कि उस समय बिरजू महाराज की उम्र महज 6 थी। अब जैसे ही रात होती बिरजू महाराज को नींद आने लगती और वो वहीं पर सो जाते। बिरजू महाराज करीब 9 साल के थे, तब उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता का अचानक निधन हो गया। पैसे से लेकर हर तरह की परेशानियां सामने आई। ऐसे मुश्किल वक्त में बिरजू महाराज की माता जी ने बहुत हिम्मत दिखाई। वो बिरजू महाराज को लेकर यहाँ वहाँ जाती, कभी बांस बरेली, कभी जयपुर, और इतना ही नहीं वो बिरजू महाराज को लेकर नेपाल तक गई। बस वो इतना चाहती थी कि बिरजू महाराज का नृत्य देखकर राजा साहब खुश हो जाएं, और अगर उस मुसीबत के वक्त उन्हें कहीं से 50 भी मिल जाते तो उनके लिए वो बहुत था। इसके बाद कपिला वात्स्यायन लखनऊ गई, तो उन्होंने बिरजू महाराज की माँ से पूछा, बेटा कुछ करता है क्या? कपिला वात्स्यायन बिरजू महाराज के पिता की शागिर्द थी, वो उनको अपने साथ ले आई। कपिला जी जाने माने साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की पत्नी थी। उन्होंने बिरजू महाराज को हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड डांस स्कूल में डाल दिया। बिरजू महाराज ने वहीं पर काम शुरू किया और फिर 4-5 साल वहीं रहे। धीरे धीरे किस्मत बदलती गई। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर बिरजू महाराज का नाम पूरे देश में होता चला गया। सबसे बड़ी संपदा जिसको कहते हैं कि प्रभु ने और गुरु के आशीर्वाद ने मुझे जो मेरी बुद्धि दी है अपने काम के लिए, वो इतनी बड़ी चीज़ दे दी है कि ना ख़त्म होने वाली, अंतहीन तक, जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा। अब बिरजू महाराज को मुंबई से बहुत सारी फिल्मों में काम करने के ऑफर आने लगे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर चुनकर काम चुना। पंडित बिरजू महाराज के चाचा पंडित लच्छू महाराज ने मुगले आजम, पाकीज़ा, महल जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी का काम किया। बावजूद इसके फिल्मों में काम को लेकर पंडित बिरजू महाराज बहुत चुनिंदा थे। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी की बंदिश कान्हा में तोसे हारी आज भी लोगों को याद है। इसके तकरीबन 20 साल बाद पंडित बिरजू महाराज ने यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है में काम किया। फिर महाराज जी ने गदर फिल्म के लिए भी काम किया। फिर संजय लीला बंसाली के देवदास की बारी आई। उसमें पंडित बिरजू महाराज के बाबा की एक ठुमरी थी, तो उन्होंने भी तय किया कि देवदास में वो भी 2 गाएंगे। साहब उसके बाद क्या था, फिल्म सुपरहिट हुई, फिल्म का संगीत मतलब उससे भी ज़्यादा हिट हुआ। काहे छेड़ छेड़ मुहे गरवा लगाए, इस ठुमरी को लोगों ने बहुत पसंद किया, खूब सराहा। माधुरी या कमल हसन, ये लोगों ने हमें डांस मास्टर नहीं समझा, महाराज समझा। तो सबसे बड़ी बात यह कि हमें जब महाराज समझ के काम करोगे तो मैं करूँगा। डांस मास्टर तो बहुत से घूमते हैं वहाँ, ढेर सारे। देश दुनिया में कथक का पर्याय बन चुके पंडित बिरजू महाराज को सन 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
इतनी सारी देश विदेश में उपलब्धियों के बाद भी पंडित बिरजू महाराज में सहजता इतनी है कि अब भी महाराज जी कहते हैं, मैं एक बहुत अच्छा शागिर्द हूँ, गुरु नहीं। तो मैं अपने आप को एक बहुत अच्छा शागिर्द कहता हूँ, गुरु नहीं कहता हूँ कभी भी, मैं शागिर्द हूँ। अच्छा, सब बड़ी जो विंग होते हैं ना, बड़ी चिड़ियों के विंग वो कैसे उड़ती हैं। और फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं।